going to learn about chapter number 12, electricity and circuit. In this chapter, we are discuss about electricity. What do you mean by electricity? आप हर रोज देखते हो कि हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, फिर बैक ऑन हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? What do you mean by electricity? Electricity means electricity एक एनर्जी के फॉर्म में होती है. वो एनर्जी के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में वो ट्रैवल करती है. जो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, राइट? स्विच ऑफ करते हैं, फैन बंद हो जाता है. बट ये इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है, कहाँ से आती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, राइट? सेल भी आपने देखा होगा, राइट? हम टॉर्चेस में ये वो चीज में सेल डालते हैं, राइट? सेल क्या वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, सेल वर्क कैसे करेगा, हम वो चीज में सेल डालेंगे तो वो वर्क कैसे करेगा, ये सारी चीजें हैं. लाइक सेल के बारे में, बैटरी क्या है, हम कार में बैटरी यूज करते हैं, राइट? टू व्हीलर में भी बैटरी यूज करते हैं, पता लगा बैटरी में क्या है, बैटरी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें कवर करते हैं. इसके अलावा ये जो हमें स्विच बोर्ड दिख रहा है, राइट? ये हमें चाइनीज स्विच करके दिख रही है, ये टू टाइप की दिख रही है, यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में करंट आता कहाँ से, एक्चुअल में पाथ कौन सा है, कहाँ से वो पाथ कंप्लीट हो रहा है एंड करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन फोर चीजें चाहिए. एक तो है वायर, यहाँ पे होगा बल्ब, ये वायर्स, यहाँ पे होगा सेल, ये सेल या बैटरी, अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, राइट? एंड यहाँ पे होगा ई. मेन इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मेन फोर थ्रू उसके कंटेंट वो हमें समझना जरूरी है. फर्स्ट है वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव है, एंड ये जो छोटा वाला है वो नेगेटिव एंड रिप्रेजेंट करता है. जो हम फर्दर सेल स्टार्टेड है डिटेल में स्टडी कर, राइट? ये सेल, ये बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये की है, इट मीन्स स्विच है जो आप ऑन एंड ऑफ कर, राइट? और ये क्या है, सोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि करंट पास हो रहा है, राइट? ट्यूबलाइट एंड फैन क्या है, सोर्स, राइट? यहाँ पे मैंने बल्ब लिखा, मेन फोर कंपोनेंट्स से निकलने हैं, बल्ब या फैन या ट्यूबलाइट, वायर्स, राइट, सेल या बैटरी जहां से करंट आ रहा है, एंड की मींस स्विच, राइट? ये फोर अगर कंपोनेंट होंगे तो ही सर्किट कंप्लीट होगी, राइट? तो हमें सर्किट के बारे में चैप्टर में स्टडी करना है, राइट? देखो अगर की ऐसे हो, राइट, तो ये जो सर्किट है क्या है, यहाँ पे इट मीन्स स्विच ऑफ है. जब स्विच ऑफ होगा तब सर्किट ओपन हो जाएगा. मैं अगर यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ है, लाइक ऐसा करो तो स्विच ऑन हो जाएगा. ये स्विच ऑफ है, इट मीन्स कि ये सर्किट ओपन है. देखो यहाँ से सर्किट रुक जाएगा. करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव पास होगा. देखो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे आएगा. यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पे करंट रुक जाएगा, राइट? इसीलिए जब स्विच ऑफ होगी तब सर्किट ओपन होगी, जब स्विच ऑन कर दोगे इट मींस यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया तब सर्किट क्लोज हो जाएगा, तब करंट पास होगा, राइट? ऑलवेज करंट कब पास होगा, जब स्विच ऑन होगा एंड सर्किट क्लोज होगी तभी करंट पास होगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने सेल का स्ट्रक्चर दिखाया है. सेल के दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? करंट ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पास होता है. यहाँ पे मैंने बैटरी का स्ट्रक्चर दिखाया है. बैटरी में आप एक से ज्यादा सेल्स यूज कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे 3 सेल्स यूज किया है. लेकिन कनेक्शन कैसे होना चाहिए, 2 टाइप के कनेक्शन होना चाहिए. फर्स्ट सेल का पॉजिटिव साइड है, जो इसका फर्स्ट सेल का नेगेटिव आएगा, सेकेंड सेल का पॉजिटिव आएगा, तो ही वो कनेक्ट होगा तो ही करंट पास होगा, राइट? हम कैसे बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट के बारे में, राइट? नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करता है, राइट? अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट साउथ नॉर्थ होगा तो अट्रैक्ट करेगा. यू नो ना, रिपल एंड अट्रैक्शन, राइट? सेम वैसे एक सेल का नेगेटिव होगा, सेकेंड सेल का पॉजिटिव होगा. सेम वैसे इस सेल का नेगेटिव, थर्ड सेल का पॉजिटिव, राइट? तो ऐसे कनेक्ट किया जाता है बैटरी. ये इन सीरीज है, पैरेलल भी कनेक्ट किया जाता है. यहाँ पे मैंने बैटरी का स्ट्रक्चर दिखाया है, पॉजिटिव एंड से करंट पास हो रहा है, बैटरी, सेल एंड सर्किट, राइट? अगर मैंने यहाँ पे वायर, जो कॉपर के वायर से, यहाँ पे कभी आपने वायर
अगर मैं यहाँ पे कॉपर की जगह कोई भी दूसरी चीज रख रहे अगर मैं यहाँ पे पेन या पेंसिल रख दू मेरे सब्जेक्ट में नहीं है वाई की जगह पेन या पेंसिल में रख दू राइट तो करंट पास होगा क्योंकि मेटल्स है वही कंटेक्ट कर सकती है करंट को पास कर सकती है राइट अगर यहाँ पे पेंसिल रबर या प्लास्टिक रख दू तो वो बैड कंडक्टर है करंट को पास नहीं करेगी राइट तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम कवर कर लेंगे एंड बल्ब के बारे में भी स्टडी करना है बल्ब में देखो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा है बीच में फिलामेंट होती है जो टंगस्टन की बनी होती है जिसका जो पावर होता है वो लो रेजिस्टेंट पावर है कभी आपने जो डेल वाला बल्ब आता है वो देखा ऑब्जर्व किया इसका अंदर ऐसे रिंग रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है वो पहले गर्म होती है हीट होती है एंड फिर बल्ब ग्लो करता है राइट तो बल्ब का स्ट्रक्चर भी आपको डिटेल में स्टडी करना है राइट कौन रीड करेगा प्रॉपर यस रीड कर देख ले इलेक्ट्रिसिटी इज अ यूजफुल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अभी नाउ दिस 21st सेंचुरी में हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए था कितने सारे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं राइट वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं नेक्स्ट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेक्स्ट We use electricity to make our work easy. Electricity से हमारे बहुत easy हो जाता है. Because nowadays तो कितने सारे appliances आते हैं, कितने सारे instruments आते हैं, जो automatic work कर रहे हैं, right? हमें भी जरूरत नहीं पड़ती work करने की, right? Automatic machines आ रहे हैं, washing machines आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे instruments हैं, जिसमें electricity चाहिए. Next. For example, it is used to run pumps that lift water from ground to the rooftop tank, right? Like motor. जिसे हमें नीचे से रूफ तक पानी चढ़ाना है लिफ्ट करना है तो उसके लिए हम हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मोटर को रन करने के लिए नेक्स्ट इट इज आल्सो नीडेड टू फंक्शंस ऑन लिंक्स ऑफ टेलीविजन रेफ्रिजरेटर गीजर एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक फैंस इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा इसके अलावा हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है लाइट प्रोवाइड कर रहा है ट्यूबलाइट है तो उसमें हमें लाइटिंग प्रोवाइड कर रहा है किसी ने हमें हीटिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वाटर हीटर राइट हम बकेट में कैसे ऊपर डालते हैं क्योंकि देखा है बकेट में वाटर हीटर डालते हैं जिससे पानी गर्म हो जाता है उसमें ऐसी कॉइल्स होती है राउंड राउंड शेप राइट तो वो क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है नेक्स्ट समटाइम्स वी यूज अ टॉर्च टू सी एट नाइट Then we switch on the torch, the bulb glows. आपने टॉर्च का स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे हम टॉर्च के स्ट्रक्चर में स्टडी करें टॉर्च ना बीच में पता है छोटा सा बल्ब होता है येलो या व्हाइट कलर आप कोई भी टॉर्च यूज करो येलो का कितना बीच में छोटा सा बल्ब होता है राइट हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है मतलब क्या स्ट्रक्चर होता है वर्किंग उसका कैसे होता है वो हम अभी फर्दर आगे पिक्चर में देखेंगे नेक्स्ट हाउ डज ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा टॉर्च The electrical cells are the source of electricity. Torch में source क्या है? Electric current pass कहाँ से होता है? Torch में cells डालते हैं, पता है? इधर छोटे pencil cells डालते हैं जो हम डालते हैं. Yes. तो pencil cell है, वहाँ से ही current pass होता है. And bulb glow करता है. Right. Next. They supply electricity energy to the bulb in the electric torch when the स्विच इज प्रेस जैसे हम स्विच ऑन करते हैं सेल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एंड बल्ब ग्लो करता है राइट तो ये आपको ओवरव्यू दिखाया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रिक सेल आर अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मेनी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी सेल आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर रिस्ट वॉच रिमोट सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं
Next. Dry cell. Dry cell. All electric cell. How? सारे electric cell में, सारे electric cell में two terminals present होते हैं, positive and negative. Yes, आप read करो. Second last. Yes, second last. Yes. Positive and negative. All electric cells have two terminals, positive and negative. Type of cell. Metallic. Cap. Positive. देखो आपको फिगर में दिखाया है, फिगर बी में जो ड्राई सेल होता है, ये वाला जो ड्राई सेल है उसकी ये जो सेल होता है इसकी यहाँ पे मेटल की कैप होती है, पता है ग्रे कलर की मेटल की कैप प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट वन. ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सारे इलेक्ट्रिक जो ड्राई सेल्स हैं उसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. In a dry cell, tip of cell act as a positive terminal. इसका जो tip होता है cell का, जो metal plate का बना होता है, उसके ऊपर यहाँ पे marking किया जाता है positive and negative terminal. And base of zinc container act as a negative terminal. और जो zinc का base नीचे की side zinc का base होता है, zinc जो metal, वो negative terminal होता है. Metal का cap होता है वो positive terminal. और base पे जो zinc का cap होता है, zinc container होता है, वो negative terminal होता है. जो सेल में साइड में मार्किंग किया होता है ड्राई सेल. व्हेन वी कनेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद अ मेटल वायर, करंट फ्लो थ्रू इट. जब हम सेल को वायर से अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज हम डायरेक्टली सेल रख देंगे और सराउंडिंग एरिया में कुछ नहीं रखेंगे तो करंट तो पास नहीं होगा ऐसे. इसीलिए हमें वायर्स लेना होगा जो मेटल वायर्स है. अगर सेल को वायर से कनेक्ट करके तो भी सेल करंट में पास होगा. राइट. नेक्स्ट. एन इलेक्ट्रिक सेल कंटेन केमिकल इनसाइड इट. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कभी नहीं देखा है तो अभी घर जाके या कभी भी आपके घर में सेल जो यूज हो गया है, जो नहीं चलता है, वो ओपन करके देखना. उसके अंदर एक केमिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है. नेक्स्ट वन. An electric cell containing chemical inside it. These chemicals are used by cell to produce energy. Yeah, electric energy. Or yahi cell mein jo chemicals hai, wo electricity produce karte hain. Next, when chemicals in electric cell are used up, electric cell stop producing electricity and hence to be replaced with new one. Agar isme chemicals used ho jaye, exhaust ho jaye, khatam ho jaye, aur phir cell nahi chalega, hamein naya cell replace karna padega. जनरली टू टाइप ऑफ सेल होते हैं, ड्राई एंड स्टोरेज सेल. ये ड्राई सेल राइट, जो हमारे लिस्ट वॉच में होता है वो भी ड्राई सेल, जिसको हम रिचार्ज में कर सकते हैं. और कभी हमने देखा बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं, उसके जो अंदर सेल्स है उसको रिचार्ज करते हैं, वो स्टोरेज सेल राइट. ये ड्राई सेल है जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एंड जो स्टोरेज सेल होता है उसको रिचार्ज कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक सेल आर ऑफ डिफरेंट टाइप. इलेक्ट्रिक सेल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल सेल यूज इन क्लॉक्स, जो हम क्लॉक्स में जो वॉल क्लॉक है उसमें यूज करते हैं पेंसिल सेल, जो आपको फिगर में दिखाया है. ऑर्डिनरी सेल यूज इन टॉयज एंड बटन सेल यूज इन क्वार्ट्ज वॉच. हम जो वॉच में यूज करते हैं वो बटन सेल है, जो डिफरेंट शेप्स से अवेलेबल होते हैं, एंड वीडियो गेम. राइट. तो ऑर्डिनरी सेल आता है, स्टोरेज सेल आता है, सिंपल पेंसिल सेल आता है, एंड बटन सेल्स भी आता है. हमारा पर्पज के हिसाब से हमें वो सिंगल यूनिट है, बट उसको सेल को आप ऐसे कनेक्ट करो. राइट. वन सेल का पॉजिटिव, सेकंड सेल का भी इस सेल पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट का नेगेटिव आएगा. ऐसे जब आप कनेक्ट करोगे ऐसे, तो उसको क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है. राइट. ये सिंगल यूनिट होगा तो हम उसको सेल बोलेंगे. राइट. अगर एक से ज्यादा सेल हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, बैटरी. तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सेल एंड बैटरी. राइट. सर्किट, सेल एंड बैटरी. उसके आगे हम सर्किट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं. राइट. हम की का यूज कैसे करते हैं, बल्ब का यूज कैसे करते हैं, वायर कैसे.